कि आजकल कोरोना के हवाले से सबसे ज्यादा ये बात आती है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करें, आपकी जितनी सेल्फ इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी आप उतना ही अच्छा इससे लड़ पाएंगे इस वायरस के खिलाफ। ये बताएं कि अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको कैसे स्ट्रांग किया जाएगा? क्या देखिए, इसके समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने पूरी एक फ़ौज भर्ती की हुई है, जिसको हमारा मुदाफ़ती निज़ाम या इम्यून सिस्टम कहते हैं। वो इम्यून सिस्टम यूं तो बहुत किस्म का है, मगर समझने के लिए दो किस्म का है। एक तो यह है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स मौजूद हैं जो कि आने वाले दुश्मन के खिलाफ लड़के उसको गिरा देते हैं, और दूसरा कुछ सेल मौजूद हैं, राइट? तो इस तरह उनको हम यानी सेलुलर इम्यूनिटी कहते हैं और हार्मोनल इम्यूनिटी कहते हैं, या ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं उसको। अच्छा, अब इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मोटी मोटी बातें मैं आपको बताता हूं। नंबर वन, अगर हमारी खुराक के अंदर विटामिन की कमी हो, और खास तौर पर हमारी खुराक के अंदर विटामिन सी की कमी हो, तो हमारी इम्यूनिटी कम होती है। लिहाजा अच्छी खुराक खाई जाए, और जब इस तरह के हालात हों जिसमें हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना हो, तो विटामिन सी जो कि किन्नू में, माल्टे में, संतरे में, नींबू में, और वो जितने सिट्रस फ्रूट हैं उनमें बहुत वाफर मिकदार में मौजूद होता है। इसी तरीके से अमरूद और दीगर जो फल हैं उनके अंदर विटामिन सी बहुत अच्छी मिकदार में होता है। लिहाजा अगर हम अपनी खुराक में रोज़ाना इन फलों को शामिल कर लेंगे, तो विटामिन सी की कमी अगर है भी तो वो पूरी हो जाएगी और हमारी इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी। इम्यूनिटी के लिए जो दूसरी अहम चीज़ इसको याद रखना ज़रूरी है कि अगर हमारे अंदर पानी की कमी हो, डिहाइड्रेशन हो, तो उससे भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। लिहाजा पानी पीना चाहिए। बहुत दफ़ा हमें याद ही नहीं रहता और हम कई कई घंटे पानी नहीं पीते, तो पानी तवातुर के साथ हमें पीते रहना चाहिए। और प्रेफरेबल ये है कि ठंडा पानी ना हो बल्कि रूम टेम्परेचर पर पानी हो, उसको हम बार बार पीते रहें। नंबर दो। तीसरा, अगर नमकियात की कमी हो जाए तो उससे भी हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और उस सिलसिले में भी ताज़ा फलों के जूस, इसी तरीके से सब्जियों की सब्ज पत्तों वाली जो नबतात हैं उनके जूस और उनके क्रश जो हैं उनके अंदर भी बहुत बड़ी मिकदार के अंदर नमकियात और विटामिन होती हैं। जैसे खीरे को क्रश करके, जैसे टमाटर को क्रश करके, जैसे चुकंदर को क्रश करके आप उनके, और गाजरों को क्रश करके आप उनके जूस को अगर आप पीते रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत बेहतर होगी। इसके अलावा अगर आपको शुगर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 चम्मच शहद का अगर आप रोज़ाना लेंगे, इसी तरीके से ऑलिव ऑयल उसके 2 चम्मच आप सुबह शाम आप लेंगे, तो इससे आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी। ये भी कहा जाता है कि हैंडफुल ऑफ नट्स, आपके हाथ में जितने ये खुश्क मेवा जात हैं, काजू है, बादाम है, पिस्ता है, ये तमाम चीज़ें जितनी आपके हाथ, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना, जितने आपकी मुट्ठी में आ जाएं सारा दिन में, इतने अच्छी तरह चबा के अगर आप लेंगे तो इनके अंदर भी बहुत से मिनरल, बहुत से वाइटमिन्स और बहुत सी एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें हैं जो कि आपकी मुदाफ़त को बढ़ा देंगी। और आखिर में जो बहुत अहम चीज़ जो हमारी इम्यूनिटी को कम करती है वो है स्ट्रेस और टेंशन। ये बात साबित हो चुकी है कि वो लोग जो चिड़चिड़े होते हैं, बदमिजाज होते हैं, हर वक्त लड़ते रहते हैं, जिनको गुस्सा बहुत आता है, जिनकी नींद पूरी नहीं होती, जिन्होंने अजीब तरह के झगड़े पाले हुए होते हैं, तनाजात पाले होते हैं, और हर वक्त किसी ना किसी जहनी खलफशार में वो मुबतला रहते हैं, उन लोगों की इम्यूनिटी भी कम होती है। लिहाजा कोशिश कीजिए कि जितने आपके झगड़े लड़ाइयाँ हैं उन सबको दूर कीजिए, अपने दिमाग को सुकून में रखिए और नींद पूरी कीजिए। खास तौर पर हमारे जो यंग लोग, आप जैसे जो यंग लोग हैं वो सुन रहे हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये जो एक बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ी मुसीबत हमारे हाथ में आ गई है, इसको अपना दोस्त बनाइए, इसको अपना दुश्मन मत बनाइए। देखिए, इसको हमने दोस्त बना के उसके थ्रू ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये लाखों लोगों तक पहुंचेगी, मगर हम इसको अपना दुश्मन भी बना लेते हैं। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि रात के वक्त खास तौर पर 9 बजे के बाद इसको मत इस्तेमाल कीजिए, स्क्रीन को एंटरटेनमेंट के लिए मत इस्तेमाल कीजिए। ये वो वाला टाइम है जिसमें आपका दिमाग सोना चाहता है, और जब आप उसको नहीं सोते और उसको पोस्टपोन करते रहते हैं तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक हिडन बॉडी की पूरी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, और नींद ना पूरी होने से भी बॉडी स्ट्रेस में रहती है। तो ये एक वो चीज़ है जिससे आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो मैं मुख्तसर दोबारा समराइज करता हूं, अगर आपका विटामिन सी का लेवल पूरा है और अगर आप पानी प्रॉपर तरीके से पीते हैं, अगर आपके अंदर नमकियात की कमी नहीं है, और अगर आप स्ट्रेस में नहीं हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत बेहतर होगी। और आखिर में एक बात और ज़रूरी कि जितनी एनिमल प्रोटीन आप कम खाएंगे उतनी आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी।
यानी जितना गोश्त, और खास तौर पे जो हमारा गोश्त पकाने का तरीका है जिसमें उनको सलाखों पे भूना जाता है या उनको बहुत ज्यादा तड़का लगाया जाता है, ये उस गोश्त के अंदर बीमारी पैदा करने की और मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करने की सलाहियत को बढ़ा देते हैं। तो इम्यूनिटी एनिमल मीट जितना हम, यानी एनिमल प्रोटीन जितनी ज्यादा खाएंगे उतनी इम्यूनिटी हमारी कमजोर होगी, और जितनी हम प्लांट ओरिजिन की प्रोटीन खाएंगे उतनी हमारी इम्यूनिटी बेहतर होगी।